हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश संघ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, किस प्रकार से लगाने हैं, ऑफलाइन लगाने हैं या ऑनलाइन लगाने हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना बताऊंगा अगर आपने उतना कर लिया तो आपका ग्रुप डी में तो सिलेक्शन पक्का है। वैसे जो रणनीति बना रहा हूं मैं हर एग्जाम के लिए है, आप इस तरह से अगर हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, इस तरह से मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम कभी भी विफल नहीं होगे, हमेशा सफल होगे। आपको करना क्या है, आपको करना इतना है सिर्फ, आपको लास्ट 45 दिन की रणनीति बनानी है। कितने है कि 45 दिन। ये सपोज करो कि आपके पास 45 दिन है, अब आपको 45 दिन में करना क्या है। सबसे पहले दो पार्टों में 45 दिन को डिवाइड करो, पहले 30 दिन, बाद बाकी 15 दिन। और जो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं, आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं पहले 30 दिन आपको लगाने हैं ऑफलाइन। ध्यान रखना, पहले 30 दिन आपको ऑफलाइन लगाने हैं, जब लास्ट 15 दिन रहे हैं आपके एग्जाम के तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ये रणनीति है, पहले 30 दिन ऑफलाइन, बाद के 15 दिन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको। तो पहले जो 30 दिन ऑफलाइन लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं आपको सेट, देखिए आप मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल हैं कम से कम 4-5 राइटर की प्रैक्टिस सेट ले आइए। कितने के 4-5 राइटर के प्रैक्टिस सेट ले आइए आप। उन 4-5 प्रैक्टिस सेट में दो कम से कम 15-20 प्रैक्टिस सेट हर पेपर में, हर सुबह राइटर की बुक में होंगे, हर राइटर की बुक में होंगे 15-20 प्रैक्टिस सेट। आपको डेली दो लगाने हैं तो 30 दिन में आप कितने 60 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे और कम से कम 4-5 राइटर की बुक खत्म कर दोगे। तो पहले 30 दिन जो आप ऑफलाइन टेस्ट लगाओगे उसमें क्या करना क्या है आपको, आप जैसे आज आपने दो टेस्ट लगाए, अब दो टेस्ट में आपके आए 50 नंबर, इसका मतलब आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब जो 50 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको क्या करना है, जो 50 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको नोट कीजिए अपने कॉपी पर नोट कीजिए कि मैंने यहां यहां गलती की है, सारे को लिख लीजिए सभी को, और फिर उनका रिवीजन कीजिए जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। मैथ के टॉपिक हो, रीजनिंग के टॉपिक हो, किसी के भी टॉपिक हो, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए उनको प्रैक्टिस सेट को तीसरे को मत लगाना। तब दो प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उनका रिव्यू वो करोगे, पूरा एनालाइज करोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप दो प्रैक्टिस सेट लगाओगे और उनका एनालाइज कर लोगे और उन टॉपिकों को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह सेकंड डेज करना है, दो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, फिर उनका एनालाइज करना है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से आप पहले 30 दिन मॉक टेस्ट लगाओगे, 10 दिन के बाद अगर 50-60 आ रहे हैं ना आपके नंबर, अगर 70-80 ना हो जाए पहले 10 दिन के अंदर, तब मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हुए तो। मैं गारंटी लेता हूँ अगर इस तरह से मॉक टेस्ट लगाओगे तो गारंटी से आप सफल होगे। यानी दो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और एनालाइज करना है, पूरी तरह से बुक पढ़नी है। यानी दो प्रैक्टिस सेट आप मान लो 3 घंटे में लगाते हो और उसके बाद 3 से 4 घंटे आप उनको एनालाइज के लिए दो, एनालाइज के लिए दोगे 3 से 4 घंटे तो आपका रिवीजन होगा। इस तरह से आपने 1 महीने प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में आपके 15 दिन बचे। 15 दिन में आपको किसी भी ऐप से, चाहे कोई भी हो, आपको ऑनलाइन परचेज करनी है टेस्ट सीरीज, और उसको भी कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज आपको डेली देनी है। 2 से 3 टेस्ट सीरीज आप डेली दोगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ 50 के आसपास आ रहे थे वो 80+90 के आसपास पहुँच जाएंगे आपके। जब देखना आपके अब 90 नंबर हो जाएंगे तब इसी तरह से जो आपके वो 15 दिन का जो ऑनलाइन का टेस्ट होगा वो आपको इतने मजबूती देगा, आपको एक तो टाइम कम करेगा, आप 1 से 1.25 घंटे में ग्रुप डी का पेपर निकाल लोगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करोगे तो आपको इस तरह से ही प्रैक्टिस सेट की तैयारी करनी है। पहले ऑफलाइन लगाइए और बाद के 15 दिन ऑनलाइन लगाइए, आपका नंबर भी इंक्रीज होगा मॉक टेस्ट में, और नंबर इंक्रीज होगा और आपकी टाइमिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपका ग्रुप डी में जरूर सिलेक्शन होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो मैं आपको देता रहूँ।